आइए, हम लोगों ने सबसे पहले जो है अपने सब्जेक्ट का दिल्ली दर्शन किया था, एक बार देख लिया था कि कैसे हमारा सब्जेक्ट तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके बाद हम लोगों ने इसके पार्ट बी पे हमला किया, जोरदार हमले की तैयारी शुरू की, और पहले हमने पढ़ना शुरू किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम अपने इंटेलेक्ट से अगर किसी चीज़ को बनाते हैं और अपने इंटेलेक्ट से किसी चीज़ को बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग ने अपने जो है वो नाजुक से दिमाग का इस्तेमाल किया, जिसको हम नॉर्मली एफडी करके रखते हैं। एफडी करने के बजाय उसका हमने क्या किया, इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके हमने कोई जो है नई दवाई बनाई, कोई नया चीज़ बनाया, कहा उस पर हमें किसी न किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। हमने कोई बुक लिखा, हमने कोई मूवी बनाया, हमें उस पर मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब उसे या तो हम दिखलाएं, हम प्रोड्यूस करें, या हमारे मर्जी से कोई प्रोड्यूस करें। हमने कोई बहुत अच्छा सा लोगो डिज़ाइन किया, हमने कोई अच्छा सा पंचलाइन लिखा, हमने कोई बहुत अच्छा सा कार का मॉडल बनाया, शूज़ का कोई जो है वो डिज़ाइन बनाया, इस पर हमें जो है वो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कोई ऐसा एरिया जिस एरिया में खास तरह के क्वालिटी होने के कारण, खास तरह के इन्वायरमेंट होने के कारण, वहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है या मैन्युफैक्चर्ड होती है, उसमें वो खास तरह का जो है वो क्वालिटी आता है। कहा गया कि इन चीज़ों को किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया कि हमने पांच एक्ट बनाए। रियल में देखा जाए तो सिर्फ पांच नहीं हैं, आपके कोर्स में पांच जो है वो आपको क्या करना है, पढ़ना है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो हमारे अलग अलग तरह के एक्ट हैं, ये अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए है, प्रोटेक्ट करने के लिए है। कुछ चीज़ों को पेटेंट में कवर करेंगे, कुछ को कॉपीराइट में, कुछ को ट्रेडमार्क में, कुछ को डिज़ाइन एक्ट में, कुछ को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्ट का पर्पस ही है कि जो एक में कवर नहीं हो वो कहाँ कवर हो जाए, दूसरे में। आप कहेंगे सर एक ही बनाते उसमें सारा कवर कर देते, तो बहुत शुरुआत से ही हम इंडियन जो हैं वो बड़े होनहार रहे हैं। हम तब तक नहीं जगते हैं जब तक हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, हम तब तक जो अलर्ट होते ही नहीं हैं। टीचर कुछ भी बोलता रहे, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बोला दो बातें करने के लिए, पहला मैंने आपको कहा आप जिस दिन जो पढ़ाऊं उसका उसी दिन रिवीजन कीजिए, और दूसरा कम से कम हर दिन आप 10 लाइन्स जरूर लिखिए। इतना अगर आप करते हैं तो चाहेंगे तो भी एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे, अनटिल अनलेस आप कसम ना खा लें कि मुझे पास करके दिखाओ। लेकिन ये चीज़ बोलते बोलते एक समय आता है जब श्रद्धांजलि देने का टाइम आ जाता है, यानी कोर्स ख़त्म हो जाता है। उस दिन भी बच्चे को कहा जाता है किया सब वैसे ही पढ़ रहे थे, सर अब बैच खत्म हुआ ना, अब जान लगा देंगे, लगा अब जान ही लगाना है क्योंकि निकलना भी यही है। तो वैसे ही अगर एक बार जान लगाए और पता चला एक गुलाटी खाई, टीचर की बातें याद आती है, ओ बोला था कि हर दिन अगर नहीं करोगे तो ये याद नहीं रहेगा। वैसे ही जैसे जैसे हादसे होते गए, वैसे वैसे हमें चीज़ों का क्या आता गया, याद आता गया कि भाई इस तरह के चीज़ में ऐसे लोग कर रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। अरे भाई अभी तो हमने ट्रेडमार्क तो बना दिया, लेकिन अगर कोई उसी नेचर का जो है वो गाड़ी बना दे तो क्या करे, तो याद आया भाई ट्रेडमार्क में तो होगा, तो अगले साल फिर क्या बना दिया, डिज़ाइन। दोनों का एक साथ याद आ गया रहता तो क्या कर देते, एक एक्ट शायद होता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, और कोई ईयर लगाते और उसके भीतर ये सारे क्या होते। तो ऐसे इन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग तरह के एक्ट को निकाला। हमने इसमें सबसे पहले स्टार्ट किसको किया था, पेटेंट एक्ट को, और पेटेंट एक्ट में हमने सबसे पहली बात की थी कि पेटेंट सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब कोई चीज़ किस कैटेगरी में आए, इन्वेंशन के दायरे में आए। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम चीज़ों को जानेंगे भी, कंसेप्ट भी जानेंगे, साथ ही साथ लिखने जैसे चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेटेंटेबल इन्वेंशन घर पे लिखा था, ईमानदारी से, सच्चाई से, चलिए ठीक है, बाकी लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, एक ही चीज़ तो बोला था, 10 लाइन्स तो आपको लिखना था। हाँ जी दुबले पतले महाराज, 10 लाइन्स ही तो लिखने थे, क्यों नहीं लिखा। अच्छा आप उनको देख रहे हैं कि वो ज़्यादा दुबले हैं, ठीक है दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। 10 लाइन्स लिखने, लिखने वाला काम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्टिव है, लिखने वाला काम किसी भी दिन ना छोड़े। आइए, पेटेंट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली ऑन इन्वेंशन का। इन्वेंशन क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट और किस चीज को न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस कहेंगे, जिसमें दो चीजें मिल जाए, पहला और दूसरा
अगर ये दोनों मिल जाए तो हम कह देंगे कि ये क्या है, हमारा न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, कहा इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब है एक ऐसा गुण, एक ऐसा करेक्टर, एक ऐसा फीचर जो उसमें किसी को पता नहीं था, किसको, जो उस चीज में क्या था, एक्सपर्ट था और स्किल्ड था, उसको भी पता नहीं था। कहा बस एक से काम चल जाएगा? कहा नहीं, एक और चाहिए, और वो क्या है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और इसमें कह रहे हैं कि इन्वेंशन इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन द, उसका कुछ ना कुछ ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। कहा ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे हमें क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट हमें नहीं मिलेगा। यहां पे दो चीजों को आप देखिएगा, पहला, पेटेंट नहीं मिलने के पीछे वजह ये होगी कि उस नेचर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किसी न किसी दूसरे एक्ट में हम क्या दे देंगे, प्रोटेक्शन दे देंगे, एक वजह ये निकल जाएगा। दूसरा ये कि उसमें अगर हम प्रोटेक्शन देंगे तो ये जो है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए अच्छा नहीं होगा। ये दो बेसिकली वजह आपको दिखेगा क्या नहीं देने का, ये आपको दिखेगा कि उसमें जो है वो पेटेंट नहीं प्रोवाइड करने का। इफ इट्स यूज इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ और मोरालिटी, लॉ और मोरालिटी के क्या है वो अगेंस्ट है, यानी कि आपने बहुत शानदार सा जो है वो तरीका ढूंढा, मैं नहीं ढूंढा तरीका कि किस तरीके से जो है वो किसी को मारा जाए। मैंने कहा कि कभी विटामिन वगैरह की कैप्सूल देखे हैं, टैबलेट नहीं कैप्सूल, उसे जब ऐसे करके खोलेंगे तो उसके भीतर कुछ चीज निकलता है जो आपका केमिकल होता है जो हम पे असर करता है, जिसके लिए हम दवा खाते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने ऐसे करके जो है कोवाडेक्स दवा ली, सुने कोवाडेक्स या बिकोसोल, बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ हैं, तो वो लिया और ऐसे करके खोल लिया और उसके जो है केमिकल को क्या कर दिया, निकाल दिया, और उसमें जो है वो पोटासियम साइनाइड डाल दिया और उसको फिल कर दिया, फिर लगा दिया, किसी को खाने के लिए दे दिया, वो क्या समझा, वो क्या खा रहा है, बी कॉम्प्लेक्स खा रहा है, विटामिन की दवा है, मल्टी विटामिन खा रहा है। पोटासियम साइनाइड यानी साइनाइड वर्ड तो सुने होंगे, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, लेकिन ये तब तक असर नहीं करता है जब तक आपके किसी भी सेल को टच ना करे। तो ये पेट में जाएगा तो लोग नहीं मरेगा पेट में, क्योंकि वो कैप्सूल के भीतर है ना, लेकिन ये जो कैप्सूल का लेयर होता है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो मेल्ट हो जाता है, तभी उसमें से जो केमिकल होता है वो जो है वो असर करना शुरू करता है। क्या शानदार मैंने चीज़ सोचा, वो देखिए, जिसके सामने हूँ उसी के साथ बैठा हुआ भी हूँ, मस्त जो है उसके साथ बैठा हूँ, सामने ही खाया और टाइम। अब ऐसे केस में सबसे कम शक किस पे जाएगा, जो साथ में बैठा था, लोग तो यही समझते हैं जो मारेगा वो बैठा थोड़ा ना रहेगा। अब बताइए इसमें जो एक्सपर्ट हैं वो तो हैं दाऊद, छोटा शकील, बड़ा शकील, जो भी हो, इन लोगों को भी जो ऐसे तरीके पते होंगे? कहा नहीं। तो कहा गया लेकिन ये सारे जो हैं बड़े अच्छे तरीके जो हैं वो किसके अगेंस्ट हैं, लॉ के, और किसके अगेंस्ट हैं, मोरालिटी के अगेंस्ट हैं। कहा इन चीज़ों पे आपको क्या नहीं मिलेगा, इन चीज़ों पे पेटेंट नहीं मिलेगा, ओनली डिस्कवरी। सिर्फ किसी चीज़ को क्या किया है आपने, ढूंढा है, कुछ नया नहीं है। देखिए अलग अलग, एक हुआ कि नया चीज़ बनाना, कोई भी दवा नहीं है स्वाइन फ्लू के को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपने बनाया, ये क्या हुआ, इन्वेंशन। दुकान में दवाई मिल नहीं रही है, कहीं किसी तरफ पड़ा हुआ है, आपने जाकर के ढूंढ लिया कि ये वाली दवाई पैरासीटामोल वहाँ पे जो है पूरा डब्बा पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ, डिस्कवरी। ढूंढ लिया तो इसका जो है कहीं पेटेंट नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, तभी आपने उसे क्या कर लिया, ढूंढ लिया। मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग, दो चीज़ों को बस क्या कर दिया, मैंने शानदार मिलाया था ना, कितने सारे चीज़ों को मिलाया था मैंने जो है वो दही, दूध, ग्लूकॉन डी, रसना, बड़े सारे चीज़ों को, बेसन, सबको मिला दिया। कह रही है मिलावट वाले चीज पे नहीं, कोई भी चीज जो होगा वो क्या होना चाहिए, नया। सिर्फ दो चीजों को मिक्स कर दिया, एक चीज और ये चीज, दोनों को मिला दिया, बोल दिया कि कुछ अब नया जैसा बन गया। कहा गया नहीं, नया का मतलब यही है कि वो किसी भी तरीके से जो है वो नोन नहीं होना चाहिए। रीअरेंजमेंट, चीजों को बस क्या कर दिया, अरेंज, जैसे मैं आपको ये दिखला रहा हूं, इन चीजों पर मिलेगा मुझे प्रोटेक्शन, ये सारा मेरा प्रोटेक्टेड है, हर एक चीज जो है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। इवन क्लास में जो मैं आपको एग्जांपल बाकी चीज देता हूं, देखिए हर चीज रिकॉर्ड पे है, और इसके साथ ये कॉपीराइट एक्ट के तहत जो है वो सारा का सारा जो है प्रोटेक्टेड, जैसे मूवी प्रोटेक्टेड है वैसे ही ये क्लासेस वगैरह ली जाती है, ये भी जो है वो कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है।
कहा गया ठीक है अगर ये प्रोटेक्टेड है तो, कहा प्रोटेक्टेड है तो इसका मतलब ये कि फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्या क्या पेटेंट के दायरे में नहीं आता है, तो इसमें मुझे प्रोटेक्शन कहाँ मिल जाएगा? अगर मैंने कोई पीपीटी बनाया, रीअरेंजमेंट ही तो है, चीज़ों को सिक्वेंस वगैरह में रख करके नए तरीके से बताया, क्या मैंने पेटेंट एक्ट लिखा है? मैं तुच्छ प्राणी, मैंने कोई एक्ट नहीं लिखा है, मैं बस उस एक्ट को आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी को मैंने जो है पीपीटी बनाया और उसमें क्या कर दिया, चीज़ों को अरेंज किया। कहते हैं रीअरेंजमेंट पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है लेकिन पेटेंट एप्लीकेबल, और हम पढ़ क्या रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे चीज़ है जिसको पेटेंट नहीं लिया जा सकता, और मैंने यही चीज़ आपको कहा था, दो ही बात निकल करके आएगी, पहला या तो वो लॉ के क्या होगा यानी कि पब्लिक के लिए अच्छा, और या दूसरा उसको हम प्रोटेक्ट किसी और तरीके से क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको हम पेटेंट में जो है वो शामिल। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, कहा ये हमारे लिए अच्छा नहीं, एक तो ऐसे ही किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अभी देखिए कुछ दिन पहले जो है ओला वगैरह जो गिरा है, 40-40 डिग्री टेम्परेचर और उस बीच में जो है वो ओला, मतलब गेहूं की फसल जो ऑलमोस्ट कटने के लिए तैयार था, ये इतना बड़ा हार्म है, लेकिन इस पर कहीं कोई डिबेट नहीं होता, इसका शोर नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ बड़ा साइलेंटली होता है, और जबकि इसका अगर आप असर देखिएगा तो इतना ज़्यादा इसका असर है कि इससे आपको पता चलेगा, अभी नहीं 3 महीने बाद पता चलेगा, जब आटा या बाकी चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ने शुरू होंगे, या जब इंडिया के बाहर से गेहूं वगैरह को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उन किसानों का सोचिए जिन लोगों ने पूरा का पूरा जो है वो सीज़न लगा दिया इसी चीज़ के लिए कि जो है वो गेहूं तैयार होगा, फसल काटेंगे और उसको बेचेंगे, उनके भी घर में जो लोग होंगे, पढ़ने वाले बच्चे और भी लोग होंगे, किसी का फी जाना रहेगा, सब उधार लिया हुआ है, कुछ उस जो है वो महाजन से लिया हुआ है, कुछ उससे कर्ज लिया हुआ है, बैंक वगैरह से तो ये बाद में कर्ज लेते हैं, पहले तो लोकली दुनिया भर के जो है वो कर्ज लिए लेते हैं कि सबको पे करेंगे। कह रहे हैं ऐसे में आप एग्रीकल्चर के मेथड को भी अगर पेटेंट कर देंगे, किसी ने बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा किस चीज़ का, ज़्यादा फसल उगाने का, कहा गया कि अगर ऐसा कर देंगे तो वो तो रॉयल्टी मांगेगा, कहा गया अगर वो रॉयल्टी मांगेगा तो किसानों को चीज़ क्या पड़ेगा और महंगा, और किसान की ऐसी हालत है, इसको ध्यान में रखते हुए कहा गया कि नहीं भाई मेथड ऑफ एग्रीकल्चर पे किसी को पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मिलेगा तो सबका जो है वो जितने फार्मर है उनका लाइफ मिजरेबल हो जाएगा। एनी प्रोसेस ऑफ मेडिसिन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है, प्रोसेस को मेडिकल कहते हैं, दवा को मेडिसिन कहते हैं, दवा पे मिलेगा लेकिन मेडिकल पे नहीं, सर्जिकल पे नहीं और डायग्नोस्टिक पे नहीं, इसका मतलब किसी भी इलाज करने के तरीके पे आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। मान लीजिए सर्जरी, बाईपास सर्जरी, डॉक्टर नरेश त्रिहान बहुत बड़े डॉक्टर, ये जो है वो बाईपास सर्जरी कहा जाता है कि एक तरह से इंडिया में लाने का क्रेडिट इन्हीं को जाए, तो अगर उस तक खास तरह का सर्जरी या अल्ट्रासाउंड करने का तरीका, अल्ट्रासाउंड मशीन आपने बनाया है बिल्कुल उस पर पेटेंट मिलेगा, उसको आप बना बना करके बेचिए या जो भी बनाएगा वो आपको क्या करेगा, रॉयल्टी देगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड करने का मेथड, कहा गया कि इस पे डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट के लिए आपने बहुत अच्छा मशीन एक बनाया, मिलेगा उस पे पेटेंट, लेकिन ब्लड टेस्ट करने का तरीका कि आपके अलावा कोई ब्लड ही टेस्ट नहीं करे, बीमारी से मरते रहे, ना कोई हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकता है ना कोई और, क्योंकि क्या करना पड़ेगा पहले, परमिशन, कहा गया ऐसे में इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमारे यहाँ एक्सीडेंट वगैरह के केस में जब लोग आएंगे तो पहले जो हम परमिशन लें डॉक्टर नरेश त्रिहान से कि मरने ही वाला है, बाईपास सर्जरी करे, पता चला उनका फ़ोन उठा नहीं उठा, वो खुद जो है वो किसी जो है वो हॉस्पिटल में है कोई सर्जरी कर रहे हैं, तब तक रुको ना, कॉन्ट्रावेंशन होगा, पहले क्या लेना पड़ेगा, पहले मोल तोल करके कितने पैसे दोगे सर्जरी के लिए, इतना, अरे इससे ज़्यादा तो हमें रॉयल्टी ही देना पड़ जाएगा, नहीं कर पाएंगे तेरा, जरा सोचिए कैसा क्योक सा क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेडिसिन पे मिलेगा, इक्विपमेंट वगैरह पे मिलेगा, लेकिन उसके प्रोसेस पे आपको क्या नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। देखिए रट्टा मारना बहुत आसान है, बस इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहे, और जब ज़्यादा कोर्स होने लगेगा तब आपको और भी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि जो चीज़ अच्छे से समझा हुआ है वो दिमाग में रहेगा, जो सिर्फ आपने रट्टा मारा था वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा इसके, हाँ फिर आपका काम जरूर रहेगा कि घर जाकर के इसको क्या करेंगे, जितने भी चीज़ है उसको रिकॉल करना शुरू करेंगे। आइए लिटरेरी, लिटरेरी कहते हैं लिटरेचर के चीज़ों को, चाहे आपने बुक लिखा हो, चाहे वो कोर्स का बुक हो, चाहे वो आपका कॉमिक्स हो, चाहे वो आपका नन्हे सम्राट हो, चाहे वो आपका जो है वो बाकीलाल का कॉमिक्स हो, चाहे वो जो है वो ध्रुव, चाचा चौधरी, राम रहीम, कोई भी तरह का बुक हो, या फिर आपका जो है वो इकोनॉमिक्स का जो है वो बुक हो, चाहे आपके सब्जेक्ट का हो, मैथमेटिक्स का हो, जिस भी तरह के चीज़ को आपने लिखा है वो किस वर्क में आता है, लिटरेरी।
और बहुत डिटेल में इसे पढ़ाऊंगा जब इसके ठीक बाद वाले में हम आएंगे, जिसका नाम है कॉपीराइट एक्ट। ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, जो भी मूवी वगैरह बने हैं, आर्टिस्टिक वर्क है, कह रहे हैं इसका पेटेंट नहीं मिलेगा। ये तो खराब है ना, किसी ने अपने इंटेलेक्ट से मूवी वगैरह बनाया है, आर्टिस्टिक वर्क किया है, कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं है कि हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे किस एक्ट में? कॉपीराइट एक्ट में। और यही तो मैंने आपको शुरू में बताया, या तो हम किसी और एक्ट में उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और या फिर हमारे लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए वो अच्छा, यही दो ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे हम किसी चीज को किस में नहीं रखते हैं, पेटेंट के दायरे में नहीं रखते। तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड है वो है कि ऑलरेडी हम इसको किस एक्ट में प्रोटेक्ट कर लेंगे? कॉपीराइट में। तो आप कहिएगा फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। तो ये बात है कि इस पे पेटेंट नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा किसी और एक्ट के जरिए। ये मैथमेटिकल और कंप्यूटर प्रोग्राम, बताइए इतने अच्छे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम सब बने हुए, क्या किसी में मोटिवेशन आएगा अगर इनको प्रोटेक्शन ना मिले तो? क्यों बनाएगा कोई इतना अच्छा अच्छा ऐप जो आप देखते हैं, वो सब क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो है। कितना लाइफ ईजी हो गया जरा सोच करके देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो मोबाइल ऐप्स आए हुए हैं, नहीं हुआ करता था पहले ऐसा, और बहुत जो है वो मुश्किल काम होता था किसी चीज़ को करने के लिए। जब से सिस्टम आया, टेक्नोलॉजी आया, फायदे हो रहे हैं, यही जो आप देख रहे हैं, ये भी चल भी कैसे रहा है, एक वैकम लगा हुआ है, एक लैपटॉप लगा हुआ है, प्रोजेक्टर, इतने सारे चीज़ जुड़े हुए हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये सब है क्या? कहीं ना कहीं प्रोग्राम ही तो किया हुआ है जिसके बाद ये सारे चीज़ तैयार हो रहे हैं। कहा कोई बात नहीं है, इन सारे चीज़ों पर प्रोटेक्शन देंगे, इतने बड़े चीज़ पर प्रोटेक्शन कैसे नहीं देंगे, तो लोगों को मोटिवेशन कैसे आएगा? लेकिन किस में देंगे? कॉपीराइट एक्ट में देंगे। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका, मैंने आपको बताया, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, हाँ लेकिन नए तरीके से जरूर बता रहा हूँ। इसी चीज़ के दौरान जैसे देखिए मैंने आपको समझाया इन्वेंशन, इन्वेंशन समझाने में मैंने अपने जो है वो मरी नानी को ले आया क्लास में, मेरी नानी आई, याद है ना, मैंने अपनी नानी माँ की कहानी पर आपको सुनाया। मैं आपको अपने बचपन के दिनों में लेकर के गया जहाँ पे मैंने वो घोलने का कार्यक्रम किया और आपको इन्वेंटिव स्टेप्स में नानी को और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आपको समझाया। ये बेसिकली क्या हुआ, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं पेटेंट जो बता रहा हूँ मैंने थोड़ा ना लिखा हुआ है, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो पेटेंट ही पढ़ाएंगे, बस उसके पढ़ाने का क्या होगा तरीका। कह रहे हैं कि भाई ये भी तो एक इंटेलेक्ट वाली ही बात है कि कैसे कोई पढ़ा रहा है। कहा गया कि इस पर भी प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन किस में मिलेगा? कॉपीराइट में मिलेगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड के कैटेगरी में ये भी आया कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्वेंशन बेस्ड ऑन व्हाट, दादी जी के नुस्खे, नानी जी के नुस्खे, बेटा ये लगा ले गोरी हो जाएगी, बेटा ये लगा ले बाल जो है वो काले हो जाएंगे, ये खा मोटी, ये खा पतले, दोनों जिसको जो जरूरत रहे, जो मोटे हैं उनको पतले के लिए, जो पतले हैं उनको क्या होने के लिए, तो हर जगह कोई ना कोई क्या रहता है, नुस्खा बताया जाता है कि उसमें शहद में ये डालो गर्म पानी के साथ पियो तो क्या हो जाएंगे, पतले। सुबह उठ के केले खाओ या सोते वक्त केले खा लो और ये कर लो तो क्या हो जाएंगे। कहा गया कि ऐसे कोई भी जो नुस्खे, जो हल्दी या डिफरेंट डिफरेंट तरह के चीज़ पे निकालते, कहा कि उस केस में क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, हमारा पेटेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इन्वेंशन रिलेटेड टू व्हाट, ये इसीलिए किया गया कि एटॉमिक एनर्जी ये अपने आप में बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। खतरनाक चीज़ इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे मिसहैपनिंग हो जाए तो ज़्यादा नहीं होगा, कोई एक देश जो है वो वर्ल्ड मैप से गायब हो जाएगा। अगर आपने आपके कोर्स में अगर ये हो, जब आप छोटे थे तो हिरोशिमा नागासाकी ये वाला इंग्लिश में एक था, चैप्टर था, तो मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ इसलिए मुझे लग रहा, पता नहीं आपके समय तक वो था या बदल गया। तो एक हुआ करता जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है वर्ल्ड वार के समय में जो है वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है वो एटम बम गिराया गया। जरा सोचिए उस समय, आज के समय में और कितना वो स्ट्रांग हो गया हो, जो बार बार डर लगता था कि वो जो साउथ कोरिया के जो सनकी तानासा जो अमेरिका को डराते रहते थे, हम गिराएंगे तेरे ऊपर बम गिराएंगे, वो चलते भी ऐसे ऐसे थे, और किम जोंग तो हमेशा जो ये डर बना रहता था। कह रहे हैं आज के डेट में अगर मान ली कोई रिसर्च कर रहा है, क्या हम बनाएं इसे और बेहतर घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि और बेहतर बनाना चल रहे हैं। कहा गया कि इसके लिए कोई रिसर्च कर रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल जेन्यून तरीके से कर रहा है। पता चला वहाँ पे कोई मिसहैपनिंग हुआ तो वो अकेला जाएगा, अगल बगल के लोगों को लेके जाएगा,
पता चला पूरा दिल्ली जो है वो खत्म हो गया। और जहाँ रिसर्च करें वहाँ तो और ज़्यादा मात्रा में होगा ना, रिसर्च ही जब कर रहे हैं वो तो थोड़ा सा था, एक पार्टिकल गिरा तो इतना किया। अगर जहाँ रिसर्च R&D हो रहा है वहाँ हो गया, बोला कि नहीं इस चीज़ में ना किसी को पेटेंट देंगे ना कोई क्या करेगा इसमें लगेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑथराइज इंस्टीट्यूशन है वो करते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो है वो बड़े सारे जो है वो टीम वगैरह है वो करेंगे। इसलिए कहा गया कि इस पर किसी को जो है वो पेटेंट नहीं मिलेगा। जिस चीज़ पे पेटेंट नहीं रहेगा उसमें आप रिसर्च क्यों कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपने कर भी लिया तो मॉनेटरी बेनिफिट तो कुछ भी मिलना नहीं है। न्यू ड्रग्स, न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग्स, ये वो पी करके या खा करके टुल होने वाला ड्रग्स नहीं है। इस ड्रग्स का मतलब क्या है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अगर कोई दवाई है या केमिकल है, कह रहे हैं कि तब तक नहीं, ऑलरेडी है लेकिन जब तक उसका क्या ना हो, पहले से आपने कुछ खास तरह का उसमें जो है वो चेंज नहीं लाया है, तब तक उस पर जो है वो पेटेंट नहीं मिला। देखिए लिखा हुआ जो वर्ड है वो देखिएगा, न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग्स। दवा पे तो मिला था जब हमने वो दवा बनाया, अब आप उसका कहते कि उसका नया इस्तेमाल बता दिया। कहते नया इस्तेमाल बताने से नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पैरासीटामोल नाम सुने हैं, सॉल्ट का नेम है। इससे जो बड़ी सारी दवाई आती है, क्रोसिन में भी इस्तेमाल होता है, डीकोल टोटल में भी ये रहता है, मेटासिन, बड़ी सारी दवाइयों में। इस दवा का पहले जो है वो यूज़ माना जाता था कि फीवर में, या आप भी ज़्यादा सुनते होंगे बुखार वगैरह में जो है वो पैरासीटामोल वगैरह देते हैं, कालपोल वगैरह नाम से जो आप जानते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो सर दर्द, बदन दर्द, सारे तरह के दर्द में भी है। अब अगर आपने बाद में बस इतना बता दिया कि इसका इस्तेमाल जो है पहले सिर्फ बुखार में, अब इसका इस्तेमाल किस में कीजिए, सर दर्द बदन दर्द में भी इसका यूज़ होगा, बोलेगा कि इस चीज़ पर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो उसमें चेंज लाया है इसके कारण जो है वो पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए ये दवाई, तो उस पर आपको क्या मिलेगा, पेटेंट मिल सकता है। तो फिलहाल ये लिस्ट क्लियर है आपके एग्जाम में एज इट इज, इसी तरह के जो है वो कैप्शन से, कैप्शन मतलब हेडिंग से पूछा जा सकता है कि वॉट कैन नॉट बी पेटेंटेड, तो हम ये लिखेंगे। अब अगर ये 5 मार्क्स का भी पूछा जाए, याद रखिएगा जहाँ पॉइंट ज़्यादा रहे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर वो कम मार्क्स का भी पूछा गया तो ज़्यादा लिखना पड़ता है, और वो जो मनगढ़ंत कहानियाँ मार्केट में सुनते हैं उन पे भरोसा नहीं करेंगे कि 3 मार्क्स का है इतना लिखना, 5 का है तो इतना, 10 का है तो इतना, कहा गया नहीं ऐसे नहीं। अगर ये चीज़ आपका इतना इसका कंटेंट है तो अगर ये 3 मार्क्स का भी पूछा जाएगा तो आपको इसके 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ में, देखिएगा आगे आएंगे इसी चैप्टर में आएगा, उस जगह मैं फिर आपको बात करूंगा और बताऊंगा कि इसमें इतना ही है तो क्या करेंगे, उतना ही लिखेंगे। इसीलिए इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए ताकि आपको ये सेंस रहे कि अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए तो यू नीड टू प्रोड्यूस सम मोर पॉइंट्स। ये नहीं कि हर जगह 3 मार्क्स का मतलब 3 पॉइंट जो है क्या कर दिया, लिख दिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज पेटेंटेबल इन्वेंशन, और अगर ये 5 मार्क्स का है तो पहले इसको डिफाइन कीजिए और उसके बाद इसमें से कुछ पॉइंट लिख दीजिए। अगर आप 4 लाना चाहते हैं तो, अगर आप कहते नहीं सर हम इस बंधन से ऊपर हैं, हमें ज़्यादा का लालच नहीं है, थोड़ा मिल जाएगा हमारा घर चलेगा, हमें जो है वो 2 नंबर भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है, कोई बात नहीं, फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ कितना लिखिए, इतना लिखिए, काम ख़त्म। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपको चाहिए ज़्यादा मार्क्स तो पहले इतना लिखिए और उसके बाद लाइन चेंज कीजिए और लिखिए फॉलोइंग थिंग्स कैन नॉट बी पेटेंटेड, और तब इसमें से जो है 3-4 पॉइंट लिख दीजिए, मार्क्स बढ़ जाएंगे। सिर्फ यही पूछा तो ऐसे केस में पेटेंट को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट, ध्यान से सुनिएगा, उल्टा सब मत कीजिएगा कि सर उसमें ये लिखा था तो इसमें भी वो नहीं। अगर पूछा व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड तो इन दैट केस देर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेल एनीथिंग अबाउट पेटेंटेबल इन्वेंशन, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत, इसके जितने पॉइंट लिखने उतने लिखिए। एग्जाम में 5-6 पॉइंट लिखने के बाद स्पेस छोड़ दीजिए और बाद में क्वेश्चन पे मार्क कर दीजिए कि इसमें कुछ और मैं लिख सकता हूँ, और जब समय बचे तो आकर के और पॉइंट डाल दीजिए। जितने ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे आप उतने ज़्यादा 4 की तरफ बढ़ जाएंगे, 3 तो मिलना ही है। अगर आपने इसमें जो है 5 मार्क्स का है 6 पॉइंट अगर आपने लिख दिए तो 3 मिल जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा, मार्किंग का तरीका फिक्स रहता है। लेकिन अगर आप 4 चाहते हैं तो फिर क्या कीजिए, जितने ज़्यादा और दम लगा सकते हैं वो लास्ट में आकर के क्या कीजिए, लगा दीजिए। आइए अब ध्यान से सुनिए, हमने पेटेंट जान लिया, किन किन चीज़ों पे पेटेंट नहीं मिलेगा ये जान लिया, अब जरा चले पेटेंट लेने के लिए,
क्योंकि अब हमें पेटेंट भी पता है और किन चीजों पे पेटेंट नहीं मिलेगा वो भी पता है। तो इसका मतलब अब हमें इतना तो पता चल गया कि किन किन चीजों पे हम पेटेंट ले सकते हैं। कहा गया कि इसके पेटेंट लेने के लिए जो है वो दो चीजें हैं, एक लिखा हुआ है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, एक लिखा हुआ है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से मेरे बातों को सुनिए। कहा कि ये होता क्या है, कहा कि जब हम पेटेंट लेने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें बताना पड़ेगा या नहीं कि हम किस चीज़ पे पेटेंट लेना चाहते हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है। मैंने आपको कहा था कि बड़े सारे मूवी ऐसे हैं, अगर आप देखे हो तो, अभी 3-4 दिन पहले ही मैं एक मूवी देख रहा था, अनिल कपूर का था, वो घड़ी पहनने पे गायब और लाल रोशनी में वो दिखता था, हाँ मिस्टर इंडिया। तो उसमें एक घड़ी थी और उस घड़ी में एक बटन दबाने से वो इनविजिबल हो जाते थे और सिर्फ लाल रोशनी में ही उनको देखा जा सकता था। ऐसे करके जो है कोई दवा या कुछ बना रहे, और मैंने क्या देखा उसमें कि जब वो घड़ी के पीछे बड़े सारे लोग थे और उनके पापा को मार तक दिया ताकि क्या मिल जाए, वो मिल जाए, और ये दूसरी बात था कि वो छुपाने में क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए, इसलिए वो छीन नहीं पाया। अगर आप देखे होंगे टार्जन द वंडर कार जैसा, मतलब ये मैं मूवी की बात करूँ, इसका मतलब है ऐसे बड़े सारे चीज हुए हैं मूवी वगैरह। एक तो ऋतिक रोशन का भी है जिसमें कोई दवा वगैरह है या कुछ बनाते हैं नए तरह का मशीन वगैरह, कह रहे हैं कि जब वो तैयार कर लेते हैं तो लोग जो है वो उनसे वो चीन क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं, उसे अपने नाम से क्या कर लेते हैं, पेटेंट कर लेते हैं। पॉसिबल? ऑथोरिटी क्या कहता है, आप हमें बताओ इस चीज को आपने कैसे बनाया, फॉर्मूला दे दो, हम आपके नाम से क्या कर देंगे। अगर उस चीज को कोई नहीं जानता है जो उसमें स्किल्ड हो और पब्लिक के लिए वो क्या है, यूजफुल है, तो हम उसको क्या कर देंगे, आपके नाम से पेटेंट कर देंगे। यही तो कह रही है ना गवर्नमेंट, आपने बस उनसे क्या कर दिया, छीन लिया जो उसमें रिसर्च में लगे थे। जब ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट हुए तो इस पेटेंट एक्ट में एक प्रोविजन दिया गया और कहा गया कि क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जैसे ऐसे इंसिडेंट को रोक सकें। कहा गया कि पेटेंट एक्ट अब क्या करेगा, आर्म फोर्सेस भेजेगा सबके घर पे? कहा नहीं, कम से कम कुछ ऐसा करो जिससे थोड़ा डर हो जाए। कहा कैसा डर? अब इन्होंने कहा कि अगर कोई जो है वो पेटेंट तब लेगा ना जब चीजों को बना लेगा। उन्होंने एक प्रोविजन बना दिया और कहा कि अगर आपने अभी चीजों को बनाया नहीं है, बनाने वाले आपके दिमाग में तो आइडिया है कि किस चीज को बनाने वाले, ठीक है पूरा नहीं बन के तैयार हुआ इसलिए आप कंप्लीट चीज तो बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि कुछ जलने वाला बना रहे हैं या कुछ फटने वाला बना रहे हैं या कुछ मरने मारने वाला बना रहे हैं, नेचर तो पता होगा, वो बता दीजिए। आप बताइए कि इससे किस तरह का बेनिफिट होगा, ये भी तो पता होगा, कुछ ऐसा चीज बता दीजिए और आप अपने काम पे लग जाइए। और अब अगर कहीं मान लीजिए कि आपसे पहले कोई उस चीज को जो है वो बना करके आ जाता है और कहता है मैंने इसे बनाया है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जिस बंदे ने अपने आधे अधूरे समय में बताया कि मैं ये चीज बना रहा हूँ, जरा पता करो वो है या मरमुड़ गया। अगर अब उसे कुछ हो गया तो सबसे पहला शक किस पे जाएगा, जो लेकर, कम से कम वो छानबीन के दायरे में तो आ पाएगा। देखिए हम क्या करें, इंडियन पिनल कोड बना हुआ है फिर भी इतने तरह के क्राइम हुए, तो इसका मतलब उसे हटा दे या उसे और कुछ मजबूत बनाए। हम प्रोविजन ही तो बना सकते हैं, चीजों को रोकने की कोशिश ही तो कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, फिर भी देखिए कितने तरह के हो रहे। नीरव मोदी इतने इतने पैसे लेकर के भागे, यहाँ पे आपके जो उससे पहले कौन है, किंगफिशर वाले, विजय माल्या, अब करें क्या करें। इसका मतलब हम जो गुस्सा होकर के बोले क्या फायदा ऐसे कानूनों का जिसके कारण, तो करो नाटक, फिर अगली बार अगर कुछ होगा तो कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, सब मिलके करेंगे। यहाँ पे बस एक कोशिश किया गया कि काश हम कुछ ऐसा प्रोविजन बना दें ताकि जो है अगर किसी ने काम करना शुरू कर दिया है, ऑल्दो काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कल के डेट में पूरा कर लेगा तो हम उसको पेटेंट, अभी पेटेंट नहीं देंगे लेकिन कम से कम उस चीज को हम डेटाबेस में क्या कर लेंगे, एंट्री कर देंगे कि फलाना पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। हमारे हैरी पॉटर मान लीजिए क्या बना रहे हैं, दवा बना रहे हैं, एकदम ऐसे ही लगता है हैरी पॉटर का। मूवी देखा है आपने? नहीं देखा है, दिखलाऊंगा मैं डाउनलोड करके। तो जो है वो हमारे हैरी पॉटर जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दवाई बना रहे हैं। अब दवाई पूरा नहीं बनाए लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया कि इस दवाई से क्या होगा, इस दवाई को खाने के बाद लोग जो है वो झाड़ू में बैठ करके उड़ने लगेंगे। हैरी पॉटर में देखा है वो झाड़ू वाला जो गेम होता है जिस पे बैठ करके सब करते हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ इन्होंने